हेलो दोस्तों, जाहुल भाई किर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे पास आई है जिक्सर, इसका हम गियर बॉक्स को किस तरह से फिटिंग करें पूरी डिटेल देंगे। वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाई सबसे पहले दोस्तों हम इसकी जब क्रैंक को असेंबल कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, जो क्रैंक की हमारी असेंबली है, असेंबली डलवाने के बाद दोस्तों इसका या तो पूलर आता है क्रैंक बैठाने के लिए, अगर आपके पास पूलर नहीं है तो उसे ऑनलाइन परचेज़ कर लो, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 400 या 500 रुपये का आता है। उसके बाद अगर नहीं आप मंगवा सकते हो किसी वजह से नहीं है और आपने बाइक खोल ली है तो भाई इसमें छेनी हथौड़े से फिटिंग ना करें, इसका ये चैम्बर ले जाओ जो मैग्नेट साइड का है, और खैरात वाला जो प्रेस मशीन होती है वो उससे क्रैंक को बैठा देता है और हमारी जो क्रैंक का बैलेंस है वो आउट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी सारी गियर बॉक्स की गरारियाँ हैं, इसमें हमने बैरिंग को लूप कर लिया है और इसकी फुल डिटेल में बताएंगे गियर बॉक्स को कैसे फिटिंग करें और इंजन फिटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान दें जिक्सर बाइक के सुजुकी जिक्सर। बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारी इनपुट शाफ्ट है, ये आउटपुट शाफ्ट है दोस्तों, ठीक है। अब पहले आउटपुट इस शाफ्ट को फिटिंग करेंगे, स्पोकेट लगता है इस शाफ्ट में, इसको इस साइड से लेंगे पहले। इसमें दोस्तों सबसे पहले ये गरारी लगेगी, ये देखो किस तरह से होती है, और एक इस गरारी को हम ऐसे लगाएंगे इसको, ठीक है। ये देखो ये गरारी हमारी इस तरह से लगेगी, ठीक है। इस गरारी को हमने ऐसे लगा लिया। उसके बाद दोस्तों ये देखिए इसमें एक डावल है, ये वार्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये वार्स लगेगा और उसके बाद ये भोगली लगेगी, ठीक है। ये भोगली इसमें आनी चाहिए, नहीं आई तो इसकी नहीं है। फिर ये देखो ये भोगली लगा दी। अब इसके बाद हम ये वाली गरारी लगाएंगे, ठीक है। देखो गरारी किस तरह से, इस गरारी को ऐसे लगाएंगे हम, फुल डिटेल में बता रहे हैं भैया जिक्सर बाइक का इंजन। और जब हम फिटिंग करें ध्यान देख लो, ये बैठनी चाहिए, देखो इसमें बैठ रही है ना आराम से बिल्कुल। उसके बाद एक और हम इसका वार्स है ये लगा लेंगे। ये आउटपुट शाफ्ट जो है हमारी इस साइड से कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे इस साइड से कंप्लीट करेंगे। इस साइड से कंप्लीट करने के लिए हमारी जो ये गरारी है इसको हम इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। ये देखो बैठ गई ना इसमें, ये बैठनी चाहिए गेयर आपस में, ठीक है। बैठ गए, इस साइड से भी देख लो लगा के, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तो इस साइड से मज़ा नहीं आ रहा, बैठ रही नहीं है, तो ये इस साइड से बैठेगी, ठीक है। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई, ठीक है। अब इसे लगाने के लिए हम एक सिम लेंगे, वार्स लगा दिया हमने, फिर एक डावल है, इस डावल को लेंगे, और फिर जो हमारी लास्ट गरारी है गई है, इस गरारी को जो घाट है ऐसे लगेगा, ये देखिए, ठीक। इधर वार्सल, इधर वार्सल, पूरे डिटेल में समझा दिया। और जो हमारी शाफ्ट है कलच शाफ्ट, ये इसमें लॉक होता है, इसमें गियर की गरारी बाहर नहीं आती, ठीक है। अब ये काम किस तरह से करेगा ये भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों ये इस तरह से चलेगा। अब इसको हम फिटिंग करेंगे, ठीक है। बैरिंग हमने लूप कर लिए हैं और ये हमारा गियर चेंजर है, पहले बहुत ही आराम से बिठाएंगे हम इसको। ये हो सकता इसको आप निकाल सकते हो, ये देखो वापस लगा दें, ये हमने ऊपर वाली गरारी निकाल ली थी, ठीक है। ये देखिए हमारा जो गियर बॉक्स है, गरारी हमने बैठा दी। अब इसके गियर सिलेक्टर भी लगाएंगे, ये तीन सिलेक्टर है हमारे, ठीक है दोस्तों। अब हम ये गुल्ला लगाएंगे जो गेट सिलेक्टर होता है हमारा,
अब ना उड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम सिलेक्टर को लगाएंगे और फिर उसके बाद सिलेक्टर की पिनों को लगाएंगे, ठीक है। सिलेक्टर हमने बैठा दिए इसे, और जो बड़ी पिन है वो इस साइड में आएगी, ठीक है। ठीक है, और जो छोटी वाली पिन है वो इस साइड आएगी। ये देखो जो हमारा गियर बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया है, और इसको थोड़ा सा लूप और कर देंगे अच्छे से, गियर बॉक्स को लूप करेंगे मस्त एकदम, कमी ना रहे। और जब हम गियर बॉक्स फिटिंग करते हैं ना, एक चीज़ का और ध्यान दें, हम गियर चेंज करके भी देख सकते हैं यहाँ से, जो हमारा सिलेक्टर है सही काम कर रहा है। ये देखो बिल्कुल अच्छे से मूव हो रहा है एकदम स्मूथ, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया एकदम गियर बॉक्स फिटिंग हुआ है। अब देखो जब हमने क्रैंक बैठा दी ना, तो इसके राइट साइड में एक वार्सल और लगता है, ये क्रैंक का यहाँ का वार्सल होता है, ठीक है। इस वार्सल को ध्यान से लगाएं ताकि हमारे जो क्रैंक के वाइब्रेट ना करें। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा क्रैंक बैलेंसर है इसको भी लगाएंगे हम कुछ इस तरह से आराम से, बिल्कुल ये देखो लग गया, ठीक है। इसकी जो टाइमिंग है इसको तो अभी हम ऐसे ही लगा देंगे जो क्रैंक बैलेंसर है, जब हम इसका चैम्बर लगा देंगे उसके बाद इसकी टाइमिंग होती है, जो क्रैंक बैलेंसर है हमारी इसकी टाइमिंग होती है। इसको उल्टा सीधा फिटिंग मत कर देना, नहीं आवाज़ करेगी, क्रैंक से टकराएगी, इसकी टाइमिंग होती है, ठीक है। अब हमने इसका गियर बॉक्स लगा दिया है, अब हम इसको अच्छे से बॉन्ड करेंगे, पैकिंग तो इसमें होती नहीं है मेन चैम्बर की, अच्छे से इसको बॉन्ड करेंगे मस्त से एकदम। भाई फुल डिटेल दे रहे हैं, एकदम तसल्ली से वीडियो बना रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं। तो भाई हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप कस्टमर हो तो भाई इंजन बिल्कुल तरीके से बंधवाएं, जैसे हम बांध रहे हैं बिल्कुल अच्छे से एकदम, सफाई फर्स्ट है, सफाई का ध्यान रखें और उसमें जो खैरात का काम है वो अच्छे से कराएं भाई, ठीक है। अगर आप खुद मिस्त्री हो तो भाई देख लो काम कैसा होता है, ऐसे ही अच्छे से काम करके दो कस्टमर का, ताकि कस्टमर खुश हो गए दोबारा हमारे पास आए, हमारी वर्कशॉप पर आए दोबारा। इसको बॉन्ड अच्छे से करें, अन्नी ऑयल लीक होने का बहुत खतरा है इसमें, क्योंकि इसमें मेन चैम्बर की पैकिंग नहीं है, ठीक है। बॉन्ड अच्छे से लगा लें, कोई दिक्कत नहीं बॉन्ड लगाने में, ठीक है। जहाँ जहाँ लग सकती है लगा दो बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड हमने लगा दी, इसको पेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा ताकि अच्छे से पकड़ हो जाए, कहीं रहनी नहीं चाहिए बॉन्ड, है नहीं। भाई जिक्सर बाइक का इंजन है, फुल डिटेल दे रहे हैं भाई, फुल इंजन की फुल डिटेल एकदम, फुल इंजन डिटेल और गियर बॉक्स को कैसे बिठाएं। जब इंजन आए हमारे पास तो डरे ना कि यार गियर बॉक्स अलग कर दें ना, हमने इसमें सारा गियर बॉक्स वगैरह बिठा दिया है। और ये देखो भैया ये दूसरा इसका चैम्बर है, ये भी हमने लूप कर दिया है अच्छे से एकदम, सारे बैरिंग वैरिंग लूप कर दिए हैं, और इसको भी हम थोड़ा बॉन्ड कर देंगे ताकि जो हमारी ऑयल लीकेज है वो हो ही नहीं। ठीक है भाई, अब इसको फिटिंग करेंगे हम अच्छे से एकदम आराम से, क्रैंक बैलेंसर वगैरह सब कुछ बिठा लिया हमने, इसको बहुत ही आराम से फिटिंग करेंगे। ये देखो जब हम इंजन फिटिंग करेंगे ना, तो ज़्यादा छेनी हथौड़े का उपयोग ना करें, क्योंकि जो चीज़ अपनी जगह जब तक बैठेगी नहीं ना वो फिटिंग नहीं होगी भाई, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तसल्ली से बैठाएंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं तो फंस रहा है। ये देखो आराम से, जब तक मैं बोला ना जब तक कोई अपनी जगह सीट बैठेगी नहीं इसकी चैम्बर की, सब फ्री है, क्रैंक भी फ्री है, साबुत वाबुत सब फ्री है हमारी। ये देखो भैया बैठ गया, ठीक है भाई। अब इसमें 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, जहाँ जहाँ इसके 8 नंबर के बोल्ट होंगे वहाँ वहाँ हम बोल्ट इसके लगाएंगे, ठीक है। और भाई एक बोल्ट इसका यहाँ लगेगा इस साइड में भी, इसमें बोल्ट होते हैं जिक्सर भाई के। फिलहाल इन बोल्टों को दो को टाइट करेंगे आराम से, ठीक है। इन दोनों बोल्टों को आराम आराम से टाइट करेंगे, क्योंकि ये देखो बिल्कुल सापट हमारी फ्री है नहीं, और एक बोल्ट हमारा यहाँ लगेगा।
भाई हमारे जो 3 वोल्ट हैं वो अंदर की साइड लगेंगे, ठीक है। और अब हम इंजन को पलटेंगे। तो इस साइड के अब हम सारे बोल्ट लगा देंगे। भाई फुल डिटेल दे रहे हैं, जिक्सर बाइक का इंजन है भाई, है नी, जिक्सर बाइक का इंजन है भैया। फुल डिटेल में हम इसका इंजन फिटिंग कर रहे हैं और जेन्युइन तरीके से ही आपको दिखा रहे हैं हम, जितनी हो सकता है वीडियो क्लियर बना रहे हैं और आपको अच्छे से समझा रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।